कुछ दिन पहले मैंने वधिया किस्म का वन पॉट पास्ता बनाया था। ये क्रीमी पास्ता था, लेकिन मजे की बात देखिए आप लोगों ने, इसमें क्रीम है ही नहीं और ये बना भी बहुत मजे का था। क्योंकि ज्यादा बर्तन मेरे से धोने नहीं होते, तो मैंने कहा सब कुछ एक ही पॉट में डालते हैं, सब कुछ बना लेंगे। पहले लहसुन को फ्राई कर लिया, फिर उसमें चिकन को डाल के फ्राई कर लिया। जब चिकन फ्राई हो गया तो हमने इसमें 2 ग्लास दूध डाल दिया और 2 ग्लास ही हम लोगों ने इसमें पानी डाल दिया। और साथ आप लोग अपनी मर्जी का पास्ता ले लो, मुझे स्पेगेटी पसंद है, मैं स्पेगेटी यूज कर रही हूँ। आप लोग मैक्रोनी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। भाई आप लोगों ने अपने लिए बनाना है ना, तो अपनी मर्जी की चीजें डाला करें। बस मेरी रेसिपी देख के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिया करो और फौरन से अपनी मर्जी की चीज बना लिया करो। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। क्योंकि फोन मेरे हाथ में था तो मैं उसे यूज करने लगी, तो 6-7 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे ओरिगानो, काली मिर्ची डालेंगे और रेड चिली सॉस। वो तो आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं हर चीज में वही डाल देती हूँ। आप लोगों को पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिए। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आप लोगों ने भी फटाफट से बना लेना है। लास्ट में इसके अंदर चीज डालेंगे, इससे इसने मजीद क्रीमी हो जाना है। और ये लीजिए जी, मजेदार क्रीमी पास्ता तैयार है, आप लोग जरूर बनाइएगा। आई नो रेसिपी बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए फौरन से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को टैग कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बनाएं। पर आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह। कुछ दिन पहले मैंने वधिया किस्म का वन पॉट पास्ता बनाया था। ये क्रीमी पास्ता था, लेकिन मजे की बात देखिए आप लोगों ने, इसमें क्रीम है ही नहीं और ये बना भी बहुत मजे का था। क्योंकि ज्यादा बर्तन मेरे से धोने नहीं होते, तो मैंने कहा सब कुछ एक ही पॉट में डालते हैं, सब कुछ बना लेंगे। पहले लहसुन को फ्राई कर लिया, फिर उसमें चिकन को डाल के फ्राई कर लिया। जब चिकन फ्राई हो गया तो हमने इसमें 2 ग्लास दूध डाल दिया और 2 ग्लास ही हम लोगों ने इसमें पानी डाल दिया। और साथ आप लोग अपनी मर्जी का पास्ता ले लो, मुझे स्पेगेटी पसंद है, मैं स्पेगेटी यूज कर रही हूँ। आप लोग मैक्रोनी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। भाई आप लोगों ने अपने लिए बनाना है ना, तो अपनी मर्जी की चीजें डाला करें। बस मेरी रेसिपी देख के इंग्रेडिएंट्स नोट कर लिया करो और फौरन से अपनी मर्जी की चीज बना लिया करो। अब हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने देंगे। क्योंकि फोन मेरे हाथ में था तो मैं उसे यूज करने लगी, तो 6-7 मिनट हो गए इसे पकते हुए। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन पाउडर, रेड चिली फ्लेक्स, अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। साथ ही इसमें डालेंगे ओरिगानो, काली मिर्ची डालेंगे और रेड चिली सॉस। वो तो आप लोगों को पता है कि मुझे बहुत ही पसंद है, इसलिए मैं हर चीज में वही डाल देती हूँ। आप लोगों को पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद तो स्किप कर दीजिए। थोड़े से इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आप लोगों ने भी फटाफट से बना लेना है। लास्ट में इसके अंदर चीज डालेंगे, इससे इसने मजीद क्रीमी हो जाना है। और ये लीजिए जी, मजेदार क्रीमी पास्ता तैयार है, आप लोग जरूर बनाइएगा। आई नो रेसिपी बहुत ज्यादा आसान है, इसलिए फौरन से वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को टैग कीजिए, उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी बनाएं। पर आप लोग जरूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।